एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कालीटोरीफाई टूल के बारे में, किससे कैसे कालीनेक्स सिस्टम को आसानी से अनोनमाइज बनाया जा सकता है, कैसे इंटरनेट पर अपनी वास्तविक पहचान को छुपाया जा सकता है जैसे कि IP लोकेशन। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। कालीटोरीफाई एक सेल स्क्रिप्ट है जो कि IP टेबल सेटिंग्स के प्रयोग से टॉर नेटवर्क के द्वारा ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी क्रिएट करके सिस्टम को अनोनमाइज बनाती है, जिससे कि आपके कालीनेक्स OS का सारा ट्रैफिक टॉर नेटवर्क के माध्यम से गुजरता है, जिससे आपकी रियल IP रिवील नहीं होती कि आप इंटरनेट को कहां से ब्राउज कर रहे हैं। ये टूल विभिन्न तरह के चेक भी करता है, जैसे कि ये टॉर एग्जिट नोड को चेक करता है या टॉर सही तरह से कॉन्फिगर हुआ है या नहीं। आपने मेरे अनोनमाइजेशन के ऊपर और भी कई वीडियोज़ देखे होंगे, पर यह टूल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी का यूज़ होता है टॉर के माध्यम से। ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, इसे इनलाइन प्रॉक्सी, इंटरसेप्टिंग प्रॉक्सी या फोर्स्ड प्रॉक्सी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें यह सर्वर कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में रहता है, जो कि आपकी वेब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर रीडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर टॉर का प्रयोग करके पूरे ट्रैफिक को टॉर नेटवर्क पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि सिस्टम अनोनमाइज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कालीनेक्स पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका यूज़ हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर ये लिंक ओपन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस टूल को इसके जिप फाइल के द्वारा या इसके गेट क्लोन URL के द्वारा अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने इसका गेट क्लोन URL कॉपी कर लिया। उसके बाद हम ओपन करेंगे अपना टर्मिनल और आप जहाँ भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं उस फोल्डर में आ जाइए। जैसे कि मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया। उसके बाद हम कमांड लगाएंगे गेट क्लोन और जो हमने URL कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये टूल हमारे डेस्कटॉप पर क्लोन हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पर इसकी सेल स्क्रिप्ट मिल जाएगी, हम इसे रन करा सकते हैं। पर इसको रन कराने से पहले हमें यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना होगा, तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे मेक इंस्टॉल। उसके बाद आप इसको अपने सिस्टम से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो सिंपल से कमांड लगा दीजिए मेक। उसके बाद आप इसको इसी फोल्डर से रन करा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर टॉर इंस्टॉल होना चाहिए और वो अपडेटेड भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए APT इंस्टॉल टॉर। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पर पहले से न्यूएस्ट वर्जन है। तो यदि आपका टॉर अपडेट नहीं है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए और उसके बाद अपने सिस्टम को रीबूट कर दीजिए। रीबूट करने के बाद अब आप कालीटोरीफाई को अपने टर्मिनल से कहीं से भी यूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे kalitorify-h। तो यहाँ पर इसकी हेल्प ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। -h हेल्प के लिए, -t ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी को टॉर के द्वारा स्टार्ट करने के लिए, -c क्लियर नेट के लिए, वापस से नॉर्मल स्थिति में लौटने के लिए, -s स्टेटस के लिए, ये चेक करने के लिए कि आपके सारे प्रोग्राम और सर्विस रन है या नहीं, -i IP इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, -r टॉर सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए और टॉर एग्जिट नोड को चेंज करने के लिए। यदि आप टॉर एग्जिट नोड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और -v वर्जन के लिए है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट कर देता हूँ। इसके लिए हम कमांड लगाएंगे kalitorify-t। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी स्टार्ट हो जाएगी टॉर के माध्यम से। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी को स्टार्ट कर रहा है, जो भी जरूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं उनका यहाँ पर बैकअप ले रहा है और IP टेबल्स और कॉन्फ़िगर फाइल्स के अंदर चेंज कर रहा है, टॉर सर्विस को चेक कर रहा है, नेटवर्क सेटिंग्स को चेक कर रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी IP चेंज हो चुकी है। आप यहाँ पर इसकी सिटी और कंट्री देख सकते हैं। अब इसके बाद आपके कालीनेक्स सिस्टम से जो भी TCP ट्रैफिक गुजरेगा वो टॉर नेटवर्क से होकर जाएगा, जिससे कि आपकी वहाँ पर रियल IP रिवील नहीं होगी। जैसे कि हम यहाँ पर इसका DNS लीक टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने ब्राउज़र पर dnsleaktest.com वेबसाइट ओपन की। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रियल IP शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड टेस्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी हमारी रियल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हो रही। आप यहाँ पर ISP और कंट्री देख सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी ब्राउज़ करेंगे तो वो अनोनमसली ब्राउज़ होगा। जैसे कि आप इसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो कमांड लगा दीजिए kalitorify-s। ये देखिए,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉर सर्विस एक्टिव है और ये नेटवर्क सेटिंग को चेक कर रहा है। और आप यहाँ पर आईपी डिटेल भी देख सकते हैं। यदि आपको आईपी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो ऑप्शन लगा दीजिए -i, तो यहाँ पर आपकी आईपी एड्रेस डिटेल ओपन हो जाएगी। ये देखिए, यदि आप यहाँ पर टॉर सर्विस को रिस्टार्ट करना चाहते हैं या टॉर एग्जिट नोड को चेंज करना चाहते हैं तो ऑप्शन लगा दीजिए -r। ये देखिए, यहाँ पर सर्विस रिस्टार्ट हो रही है और टॉर एग्जिट नोड चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दूसरी आईपी मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आईपी चेंज हो चुकी है। और यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं, वापस से नॉर्मल स्थिति में लौटना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगा दीजिए -c क्लियर नेट के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सारी सेटिंग्स पहले जैसी हो जाएंगी। जो भी इसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप लिया था उनको ये रिस्टोर कर देगा, सारी सेटिंग्स पहले जैसी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर कालीटोरीफाई का प्रयोग कर सकते हैं अपने सिस्टम को अनोनमाइज बनाने के लिए। पर ध्यान रहे, टॉर का मतलब ये नहीं कि आप 100% अनोनमाइज हो गए हैं। इसको यूज़ में लेने से पहले आप अपना मैक एड्रेस और होस्ट नेम भी ज़रूर चेंज कर लें। और अनोनमाइज हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हैं, आप कुछ भी उल्टा सीधा ब्राउज करें या डाउनलोड करें, क्योंकि टॉर या ऐसे टूल मालवेयर, वायरसेस और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी से प्रोटेक्ट नहीं करते। तो आप यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें। तो बस दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड गुड बाय।